सो और मच लव. क्या कैन यू सी ऑल द कॉमेंट्स फॉर यू? सी सो मेनी कॉमेंट्स फॉर यू. देखी मैंने, लाइक पीपल आर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस एंड या हाय गाइस, हाय. So Heli, how is Halo Re Halo? How is the response to it? I'm sure it's such a catchy song. I myself am dancing to it. Is great, everybody's liking the song, and I think that makes all of us happy because that's what we wanted, right? Yeah. So You know, and somewhere I was reading about it. मैं कहीं पढ़ रही थी कि it was shot in a day, the whole song. yeah, it was shot just 2 days before it got released. I mean, we shot it on 5th and we released the song on 7th. Wow, you Yeah, edited that's it, very you did everything in 2 days. Yeah, too क्विक. मतलब हम खुद भी, हम लोग काफी सरप्राइज थे दैट इतनी जल्दी सारी चीजें हो रही है. बट वी हैड टू रिलीज द सॉन्ग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि. आई थिंक दैट वाज द प्लान. सो हाँ, हाँ वाओ. या And tell me, how did the song come about? I mean, was it there? Was it that you auditioned for it, or did it fall in your lap? Or just tell us the journey. How did it come to you? No, actually, I just heard this song, and see, being a Gujarati, I think गरबा एंड एवरीथिंग, लाइक आई नो कि कैसे गाने मुझे पर्सनली पसंद है और कैसे गानों पे आप गरबा कर सकते हो. एंड आई हर्ड दिस सॉन्ग, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज लाइक अ रियल नंबर. आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड देन आई सेड यस, बिकॉज फॉर मी कनेक्शन विद दिस सॉन्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी सारी चीजें बाद में आती है. सो व्हेन आई लाइक दिस सॉन्ग, आई वाज लाइक ओके, लेट्स डू दिस. Yeah, and of course you've been a part of the TV industry and you're an actress, and but you've danced so well with all that energy. So what do you enjoy most? I mean, are you a dancer in real life? Like, do you like to dance? How do you chill? See, I like to dance, but जब नॉर्मली अगर लाइक इन हाउस पार्टी और एनी वेर यू गो, इफ यू डांस, सो माई डांस इज मोर लाइक वेरी फ्री स्टाइल. जो मन में आया वो कर लिया. गणपति, लाइक यू जस्ट गो ऑल आउट एंड यू डोंट नेसेसरली डू स्टेप्स एंड ऑल दैट. बट ऑब्वियसली व्हेन यू हैव टू परफॉर्म, देन आई नीड समबडी टू टीच मी. फिर मैं खुद नहीं कर सकती, तो आई ऑलवेज नीड अ कोरियोग्राफर और समबडी टू टीच मी, तो मैं कर लूंगी. मतलब आई कैन नॉट लर्न ऑनलाइन, और मैं किसी को ऐसे फोन में देख देख कर आई कैन नॉट लर्न डांसिंग. आई मीन दैट्स व्हाट इट्स देयर. सो आई नीड समबडी फिजिकली प्रेजेंट बिसाइड्स मी एंड सिखाने के लिए. बट आई एंजॉय डांसिंग, बट आई ये गाना एंजॉय गरबा का गाना था एंड यू आर अ गुजराती. सो हाउ मेनी डेज डिड यू रिहर्स फॉर इट? ज्यादा नहीं. मतलब अगर मैं आवर्स में बताऊं तो वी आई रिहर्स्ड फॉर 4 5 आवर्स दैट्स इट. एक्चुअली. वो भी मैं हमने जो सीखा था वो काफी अलग था. फिर ऑन फ्लोर काफी चीजें चेंज होती रही है, सो आई थिंक दैट्स क्वाइट नॉर्मल. थिंग्स चेंज ऑन फ्लोर, उस टाइम पे क्या बेटर लगता है उस हिसाब से. बट ज्यादा नहीं किया था. Wow. So Haley, let's talk a little bit about the team behind the song. I think your fans would love to. I mean, who sung it? Who's choreographed it? If you would like to tell us. I know Mika's Yeah, one everybody of the. actually knows. Mika and Payal Dev, they both have sung the song, and Aditya has composed the song. Okay. Yeah, and Adu sir, he's choreographed the song entire like sequence, and directed. So yeah. Okay, some of your fans have asked me in the past 2 3 days to ask you कि आप YouTube videos क्यों नहीं पोस्ट कर रहे आज, तो प्लीज अभी आंसर करो, क्योंकि वरना वो मेरी पिटाई कर देंगे. मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट, आई डोंट नो, आई डोंट वॉन्ट टू बी मोनोटोनस. मुझे एक ही तरीके का, लाइक इफ आई एम गिविंग यू समथिंग, तुम आई हैव टू बी क्रिएटिव इनफ टू शो यू समथिंग. एंड अगर वही सेम रेपिटेटिव कुछ मैं आपको दिखाऊंगी, तो आई ऑल्सो डोंट फील दैट आई शुड फिल्म इट. सो दैट्स द रीजन आई एम नॉट वेरी एक्टिव. बट ऑन एंड ऑफ मैं कुछ ना कुछ आप सबके लिए लाती रहूंगी. I don't want to like promise that I'll post every week or every 5 days, 6 days. I don't want to do that because I know that's not going to happen. But हाँ, जब भी So मुझे कुछ until you लगेगा. have something unique to offer, you don't want Yeah, to really. exactly. So Haley, tell me,
you know, you are in an industry which is largely perceived by beauty, right? There are certain, conventional beliefs about beauty. So tell me, as you were growing up, did you always know that you wanted to be an actress, or was it, or did it just No, happen? It just happened, actually. I never wanted to become an actor. So, I accidentally actually gave an audition and, I got selected and then things just happened. So, us tarike se sari cheeze hui thi. I was never inclined towards this field particularly. Okay. And now that you are a part, such an active part of it, I mean, did you think that if you wouldn't have been an actor, where would you be? What would be your alternate profession, if I may ask? I think I was I was just destined to be an actor, but if not, I think a doctor. Oh, you would have been a doctor. Wow. Yeah. Okay, so really, you know, this show is called Sinfully Yours, okay? And yeah. I wanted to ask you, कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो सबका एक मेमोरी होता है. जैसे मुझे याद है कि मेरी मम्मी मुझे हर संडे पकड़कर तेल वेल लगा देती थी बालों में, एंड आई डिडंट लाइक इट. तो व्हाट इज योर अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ इधर योर नानी और योर मॉम या दादी डूइंग सम काइंड ऑफ स्किन केयर और हेयर केयर थिंग फॉर यू, जब मतलब जब आप नहीं ज्यादा जानते हो कि ये क्यों हो रहा है बट आपको करना पड़ता है. आई थिंक मुल्तानी मिट्टी, लाइक दैट्स वन घरेलू नुस्खा आई थिंक एवरी इंडियन हाउस होल्ड हैज डन. लाइक मम्मिया या दादी या व्हेन यू ग्रोइंग अप एंड प्यूबर्टी एंड यू गेट पिंपल्स एंड स्टफ, सो दैट वन कॉन्स्टेंट यू हैव इन योर लाइफ इज मुल्तानी मिट्टी. पानी में या फिर रोज वाटर में आप मिक्स करके मम्मी ऐसे ऐसे लगा दी, या कई बार तो मैंने ये भी किया है कि ओवर नाइट लगा कर मैं सोई हूँ जस्ट होपिंग दैट द पिंपल्स गो अवे, पिंपल चला जाए. Because I used to get like really painful pimples, bade bade pimples, and so wo ek cheez hai, I think. And then what else? I think masoor dal also my mom used to apply on my skin because it's like a natural exfoliant, right? Like ek scrub kar deta hai and it also tightens the skin. Like it's honestly mere ko aaj bhi bahut pasand aata hai, like the glow that it gives after the wash. It's really nice. So I think ye do ye bahut acha tip hai. हाँ, ये बहुत अच्छा टिप है. जो जिनको साबुन नहीं यूज करना होता है फेस पे, यू कैन यूज पाउडर्ड ओट्स, यू कैन यूज मसूर की दाल, यू कैन मिक्स इट बेसन, यू कैन मिक्स इट विद अ लिटिल घी. एंड करेक्ट, आई फॉरगॉट बेसन, बट बेसन इज आल्सो लाइक दैट वन थिंग जो हमेशा हमारे साथ रहेगी. बेसन एंड दही और बेसन, एंड इफ यू हैव ड्राई स्किन यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ ऑयल और एनीथिंग, आई डोंट नो, बट या. सो हेली, हमारी एक डेफिनेशन होती है खासकर इंडिया में कि ये ब्यूटीफुल है ये ब्यूटीफुल नहीं है. हम लोगों को बॉक्सेस में डाल देते हैं ना, गोल चेहरा हो, इवन अगर बेबी इज बॉर्न वी स्टार्ट सेइंग अरे चेहरा नाक थोड़ी सी चपटी है, नाक थोड़ी लंबी होती है, यू नो, विच इज वेरी सैड. व्हाट इज योर आइडिया व्हाट इज योर आइडिया ऑफ ब्यूटी? व्हाट मेक्स अ पर्सन ब्यूटीफुल इन योर आइज? I think you firstly stop judging people ki and stop assuming and giving your judgments ki ye aise hota to better hota, ye thoda sa theek ho gaya hota to kamal ho jata. No, I think God has made you and he's made you beautiful. You are beautiful the way you are. Matlab stop hold on na. Yeah. Studio mein jana hai. Main studio mein chhod gaya. 211 ठीक है, सॉरी. सो वो चीज मुझे बहुत गलत लगती है, ये सावली है, ये चेहरा ऐसा है, सो मच अबाउट कलर, स्टिल डू दैट और कितने सालों से ये चलता आ रहा है. बट वॉट मेक्स what makes a person beautiful in your eyes? Like kisi ko dekh ke aisa laga, even if it's a man or a woman, ya kitna sundar insaan hai, what makes you say that? What is that quality or I mean besides looks, see, I think I'm not somebody jo sabse pehle looks aur un sari cheezon pe dhyan dega. I think mujhe
वॉर्म्थ उस इंसान से कैसा फील होता है, मुझे क्या कनेक्शन लगता है, यू नो व्हाट काइंड ऑफ वाइब आई गेट फ्रॉम दैट पर्सन, आई थिंक दैट मैटर्स फॉर मी मोर. मोस्ट एटीट्यूड है आपका, चीजों को यू नो देखने का जो नजरिया है, आई थिंक ऑल दोस थिंग्स मैटर मोर फॉर मी देन लाइक लुक्स एंड एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग इज वेरी सेकेंडरी. सो या या So Heli, tell me, you are, I know you were doing daily shows, and now you're on a break, but you were doing daily shows, जहाँ पे रोज सेट पे जाते हैं, आपको मेकअप लगाना पड़ता है, रोज मेकअप लगाना पड़ता है, रोज यू हैव टू अप्लाई दीज लेयर्स ऑफ यू नो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू एंजॉय इट, आई मीन डू यू एंजॉय पुटिंग ऑन मेकअप एवरी डे एंड यू डू इट? या आई मीन आई एंजॉय, I have actually off late started enjoying makeup. I'll not say that I always loved makeup. I, you know, in my last show, we experimented a lot with makeup. So I think that's when I realized that I think you can be so much creative with makeup, and you can experiment so much with makeup. And I think that's when I realized that I like, you know, buying makeup also and maybe applying makeup also. Wow. So, जब नहीं शूट कर रहे होते हो, जिस दिन घर पर रहते हो, what is your natural, normal, you know, skincare routine? How do you take care of yourself? Somebody who has to apply makeup as a occupational hazard every day, or maybe it's not a hazard for you, you enjoy it. It is an occupational hazard for me. I hate putting on makeup and lipstick. See, but if I'm not shooting, I hate makeup. Like I'll say that I do not apply even a lip balm. Yeah. Like my face is like absolutely with no makeup, no product, because I feel ki ab agar main 12 ghante ya normal bhi if I'm applying makeup, then there has to be days jab meri skin ko utna breathe karne ka mauka milna chahiye, and yeah, so most of the days, like these days I'm not you know regularly shooting, I'm not shooting for a daily show basically, so I don't apply makeup until and unless I know that I'm supposed to shoot something or I'm supposed to go somewhere where I need to be a little presentable. But what are the few things you definitely do, whether externally or internally, for your skin, for healthy skin, because an actor ke liye to skin bahut important hai, skin hai. So what do you do to take care of your skin, maybe on the days when you're not shooting, when you have free time? What do you do to look like this, like a $1 million, how you look? I don't have a particular, you know, regime or anything of that sort. Kabhi kabhi jo man mein aata hai main waise karti hu. I mean, you know, there are days when I feel that, you know, let's just pamper the face, like pamper the skin, you know, what do you say, sheet masks, and I really like clay masks, so you know, clay mask laga liya, kabhi kabhi raat mein sone se pehle sheet mask laga liya. I think it just hydrates the skin, or it's like a one step thing. Jisme mujhe lagta hai ki my skin matlab jo bhi chahiye hota hai wo usko mil jata hai, and I think on a regular basis you do moisturize your face, and like regular moisturization and all those things, I think it's important. बट अलॉन्ग विद दैट मुझे लगता है खाना आप क्या खाते हो वो ज्यादा मैटर करता है, वो ज्यादा दिखता है, लाइक व्हाट यू ईट, आई थिंक इट जस्ट शोज ऑन योर फेस एंड स्किन एंड एवरीवेयर, सो वो ध्यान रखना ज्यादा जरूरी होता है. एंड आई थिंक स्लीप ऑल्सो, मतलब आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप. हैव यू एवर डन दैट ब्लंडर ऑफ गोइंग टू स्लीप विद मेकअप ऑन? या यस आई हैव. अभी रिसेंटली 2 months ago actually I was in Chandigarh, and we were shooting for something, or I packed up around 3 actually, and I was so sleepy, and I had woken up by you know, बहुत जल्दी उठी थी, and then I was like I don't have the energy to remove makeup, और मैं सो ही गई थी, and I knew that I'm supposed to wake up by 8, तो मुझे वैसे ही 3 घंटे की नींद मिलने वाली थी, so I was like ठीक है, अब 3 घंटे बाद ही, अभी इतना मेकअप रखा है तो 3 घंटे और रख लूंगी. So I went to sleep. Yeah, so tell me, you said that eating right is very important, okay, and you are a Gujarati. Yes. And how do you then manage? Because Gujarati में तो मतलब ढोकला से लेकर इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, they're very fond of chaats and snacks. How do you maintain the balance?
नो नो आई ईट एक्चुअली, मेरा मन करता है तो मैं खा लेती हूँ, एंड देन खाने के तुरंत बाद मैं गिल्टी भी फील करती हूँ बिकॉज आई एम नॉट वन ऑफ दोज ब्लेस्ड सोल्स जो कुछ भी खा सकती है. आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट बिकॉज अच्छा मैं जो भी खाऊंगी तुरंत दिखेगा फेस पे, बॉडी पे, हर जगह. सो बट या आई स्टिल ईट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है यार ठीक है, फूड इज समथिंग दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी, सो आई विल यस नॉट कॉम कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. या आई कैन हाँ थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ, बट खा लूंगी मैं. नाउ कमिंग टू हेल्दी ईटिंग, मोस्टली जो मील्स होते हैं आई मेक श्योर दैट यू नो आई एम हैविंग माई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर द डे. एंड फिर कुछ आप कभी गड़बड़ खा लेते हो तो एक मतलब गड़बड़ मील में मुझे नहीं लगता कि कुछ होता है. आई मीन कुछ दैट्स होता वट है आई हाँ लाइक टू बिलीव. that's good thinking right cheat we can all have cheat days या एब्सोल्युटली, मतलब इतना भी अपने आप को वो मत कर लो कि आप दुखी हो जाओ. हाँ दैट्स ट्रू हर खुश रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है सुंदर दिखने के लिए है ना वो भी रिफ्लेक्ट करता है ऑन योर थॉट द वे यू थिंक सो यही टेल मी इज देयर एनीवन यू एडमायर इन टर्म्स ऑफ लाइक इफ आई से हु इज दैट लाइक इफ देयर इज अ सेलिब्रिटी और देयर इज एन एक्ट्रेस नेशनल इंटरनेशनल व्हाटएवर हु यू वुड ट्रस्ट टू बाय योर स्किन केयर और योर मेकअप हु नो वुड दैट वन, समवन यू रियली आइडलाइज नो 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 बड़ी, नो बड़ी. नो आई डोंट नो एक्चुअली बिकॉज आई फील एवरीबडी हैज डिफरेंट स्किन टाइप. अगर कि कोई चीज किसी के लिए वर्क करती है इट मे नॉट वर्क फॉर मी. सो मैं तो आई थिंक ज्यादा प्रेफर करूंगी कि मैं मुझे जो भी ब्रांड का या मैं जो भी खरीदना चाहती हूँ मैं वहां जाऊँ. आई वुड एक्चुअली आस्क देम टू रेकमेंड द प्रोडक्ट दैट वुड सूट माई स्किन टाइप. आई थिंक दैट्स अ बेटर लाइक दैट्स अ बेटर थिंग टू डू राइट. तो मैं नहीं फॉलो करती हूँ. हाँ कभी कभी किसी ने कुछ रेकमेंड किया एंड यू लाइक यू नो सम प्रोडक्ट्स डू फैसिनेट यू तो फिर यू कैन यू नो गो एंड जस्ट बाय इट. Are you a conscious buyer or you go by the market आई एम अ trends? Like, वेरी are you? कॉन्शियस, नो नो आई एम अ वेरी कॉन्शियस बायर, वेरी. Yeah, like you look एंड for maybe it's cruelty free, it's free of chemicals, natural. ये सब में पढ़ते हो, लेबल पढ़ते हो. यस आई एम अ कॉन्शियस Yeah. बायर एंड आई एम ऑल्सो somebody who is trying to you know be that minimalistic buyer also. मतलब I don't want to go all out and have Hold everything in my closet. Yeah, makeup and no. People do that, and at one point even I have done that. Like not in terms of makeup and skin care, but maybe say shoes and some other stuff. But now I realize that you know it's a We don't need feeling. that much. We We don't don't need need that. that much, and जितनी कम चीजें, जितना मिनिमल आपका लाइफस्टाइल होगा, आई थिंक इट जस्ट मेक्स यू मोर हैप्पी. आई मीन दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू. Yeah, in the pandemic, I think a lot of people realized that we made do with so such little things, and we were happy. और रियलाइज कि 15 15 सेम कलर की जीन्स क्यों है तो भी होगी तो किसी आई को स्वेयर यू जस्ट एंड अप वेयरिंग दैट वन जीन्स ओनली. पता चलेगा एब्सोल्युटली यू नो सो इट्स सच अ या द पैंडेमिक हैज टॉट अस अ लॉट सो टेल मी हेली इफ यू हैड टू गो इफ यू आर यू हैड टू स्पेंड लाइक 100 days ऑन एन आइलैंड एंड यू कुड कैरी जस्ट वन प्रोडक्ट विद यू एनी वेदर इट्स स्किन केयर और मेकअप व्हाट वुड यू कैरी ओह माय गॉड. आई थिंक देन आई विल हैव अ लिप बाम ओके बिकॉज हाँ यू नो स्किन फिर भी चल जाएगी अगर ड्राई हो गई या कुछ हो गया, बट लिप्स ड्राई रहते हैं ना देन यू डोंट फील लाइक गुड अबाउट इट राइट. या सो सो आई यू थिंक वुड कैरी अ लिप बाम मेबी आई विल कैरी अ लिप बाम एंड बाकी स्किन मॉइस्चराइजेशन के लिए मैं वहां से कोई जुगाड़ कर लूंगी कि पता हाँ नहीं कुछ नारियल नारियल फोड़ के मैं नारियल. लगा लूंगी नारियल एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज गोइंग टू से कि नारियल का तेल या ऐसा कुछ बिकॉज़ आई थिंक दैट्स लाइक द बेस्ट थिंग फॉर द स्किन. सो या हेली व्हाट वी डू ऑन द शो इज वी सिलेक्ट लाइक वन और टू कमेंट्स एटलीस्ट टू पीपल हु इन सम कमेंट्स एंड आई वांट यू टू सी द रीसेंट वंस एंड सिलेक्ट टू पीपल हु विल गेट वाइल्डर गुडीज फ्रॉम मी वाओ for being a part of the live, but I want you to select those two people. If you can just scroll through and call out their names, and whoever ओके Haley ओके selects, you should send me your addresses and phone numbers on DM, and your prizes will reach you. आह लवली ओके
बहुत सारे हैं, बहुत आई सारे थिंक. हाँ, 1698 पीपल आर वॉचिंग अस. दैट्स व्हाई आई सेड यू यू कैन गो थ्रू द रिसेंट वंस एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड समथिंग या मीनिंगफुल और समथिंग लाइक दैट. ओके आई थिंक आई डोंट नो. Okay, let me also go through. I'll also help you. You know, we have people from Sri Lanka, we have people from Albania, we have people from so many countries watching us. It's amazing. So will you be able to send there also? Like Ah, that's a question. Maybe we'll have to select people from India. और वो बाहर का हुआ अब्रॉड का तो फिर कैसे आप भेजोगे? हाँ, योर स्माइल गोना किल अस. देयर आर पीपल फ्रॉम पाकिस्तान. ओ वाओ, लव यू हेली, आई लव यू सो मेनी, आई लव यूज. लक्ष्मी सेज हाय हेली दी. हाय गाइस. ओके वी या हैव, एनी या रुक जाइए. सो दोज ऑफ यू व्हाइल हेली डिसाइड्स ऑन द कमेंट्स, यू कैन गो एंड फॉलो हेली ऑन हर पेज. इफ यू आर नॉट ऑलरेडी फॉलोइंग हर, यू कैन वॉच हर सॉन्ग. यू कैन हैशटैग हेलो रे हेलो इन द कमेंट्स सो दैट वी मेक द सॉन्ग वायरल. एंड व्हाइल यू आर डूइंग दैट, ऑल्सो फॉलो द वाइल्डर डॉट इन पेज फॉर ऑल स्किन केयर टिप्स एंड ट्रिक्स. And Yes. yes, there are so many comments. I've given Lily a very tough job today. I'm sorry. काफी डिफिकल्ट है बट आई थिंक एम आई टेकिंग टू मच टाइम. ओके वी हैव, No, please. आई डोंट नो अभी ये कहाँ से है बट हागर सेवन अकीम. ओके वेट, आई जस्ट, कैन आई टेक अ स्क्रीनशॉट और समथिंग, Yes, you can. देन यू कैन पुट इट ऑन योर स्टोरी एंड देन दे कैन. Yes, you can do that. Yeah, good idea. हागर अंडरस्कोर सेवन अकीम, आई थिंक दैट्स द इंस्टा अकाउंट. Okay. आई डाउट कि ये इंडिया का है. अच्छा, आप सिलेक्ट कर लो, जो इंडिया का होगा उसको मिल जाएगा, जो नहीं होगा उसको मेरा प्यार मिलेगा, हम दोनों का. डू यू वांट टू से हाय टू हेली दीदी? सी यार, हेली, लुक एट लड्डू, ही सेइंग हाय टू यू. लड्डू, हाय लड्डू. लड्डू, हाय टू ऑल द पीपल वाचिंग अस. ही ओके जस्ट गॉट अप थर्टी फ्रॉम हिज स्लीप सो ही हैज टू कम टू मी. ओके स्किन रिल ओके, आई थिंक आवर नेटवर्क कनेक्शन इज अ लिटिल वीक.